जिस तरह प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और हर भर्ती का पेपर लीक हो रहा है, उसी तरह विधायक सांसद और आम आदमी कोई सुरक्षित नहीं। कल मेरा जो जयपुर जालूपुरा थाने से 20 मीटर दूर मकान है जहां मैं 15 साल से रह रहा हूं, उस मकान के अंदर मुझे सूचना मिली कि ताले तोड़ दिए। मैं मकान पे पहुंचा और जिस हिसाब से उन्होंने उस मकान के अंदर तोड़फोड़ की और जिस तरीके से उन्होंने नंगा नाच वहाँ किया होगा, और करीब 10 ताले तोड़े उन्होंने, और ताले भी एक एक किलो के ताले थे, उनको तोड़ने में निश्चित रूप से बहुत जोर आया उन लोगों को। लेकिन जो नंगा नाच थाने और कमिश्नरेट की 200 मीटर की परिधि में किया, जंगल राज है राजस्थान के अंदर, और उसके अंदर मेरा सामान, कई जो कागजात थे वो चोर ले गए, और ये कोई नई घटना नहीं है। कल ही हमारी विधायक का पर्स, मोबाइल सारे चोरी हो गए थे गाड़ी के अंदर से, और उससे पहले भी खींवसर विधायक की गाड़ी चोरी हुई थी। और जो प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, एक नंबर पे राजस्थान अपराध के अंदर आ गया, और ऐसे व्यक्ति को कमिश्नर लगा रखा है 4 साल से लगातार। सिर्फ सरकार घिरने में उन्होंने मदद की थी, उसके अलावा अपराध बढ़ाने में मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं कमिश्नरेट का पूरा सहयोग होगा। दुर्भाग्य इस बात का है कि कमिश्नर और जो दूसरा आपका एडिशनल कमिश्नर जो भी लोग हैं, अभी तक इन्होंने किसी ने मेरे से बात नहीं की। हनुमान बेनीवाल के घर पर लूट की वारदात हो गई, उनका जरूर टेलीफोन, मेरे गृह सचिव का फोन आया था, पूछा भी था उन्होंने, लेकिन दुर्भाग्य देखिए सब मौज मस्ती करें नए साल की, कोई प्रमोशन के अंदर व्यस्त है, कोई अपनी नई 1 तारीख को काम पोस्टिंग लें, किन आकाओं के पास जाए। ये कमिश्नर पहले वसुंधरा खास हुआ करता था, आज गहलोत का खास है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मुझे तो लग रहा है पेपर लीक अपराध के अंदर भी वसुंधरा गहलोत ने गठबंधन कर लिया राजस्थान, और जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है।